हैं आप सब, मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य ब्लॉग्स। तो दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ भगवती मंदिर के पास और यहाँ से आज आप सोच रहे होंगे शौर्य जी डायरेक्ट बाहर कैसे मिल रहे हैं। वेल भैया का सिस्टम मतलब प्रिंटर ख़राब हो गया था तो इसलिए प्रिंटर रिपेयर करने जाना है सेंटर पर और उसके बाद घर पर आना और बहुत सारे काम करने। वेल चलिए देखते हैं आज पूरे दिन कैसे एक्सपेंड होने वाला है और पूरा लेने हैं ब्लॉग में मज़े। तो चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ पर मैं सेंटर पे आया, सेंटर पे आने के बाद मैंने प्रिंटर रिपेयर कर दिया है और अब मैं दिल कर रहा हूँ घर के लिए कि खाना पीना नाश्ता वाना करना है। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि सेंटर में बहुत सारे बच्चे थे, बट लेकिन फाइनली प्रिंटर रिपेयर हो गया और वो ठीक ठाक अब चल रहा है। चलिए घर चलते हैं यार। तो गाइस यहाँ से मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और इस समय खाने पीने का आइटम रेडी हो रहा है और फिर खाना खाना है यार जल्दी से खा के और फिर सेंटर पे जाना है, बहुत सारे काम करने। देखो डकार भी आ रही है, बिन खाए डकार आ रही है और ये मेरी 72 की डकार थी ऐसे करके। चलिए जल्दी नाश्ता करते हैं। तो गाइस इस समय मैं अपने रूम के अंदर आ चुका हूँ और रूम में आने के बाद मैं आज आपको एक कमाल की बात बता दूं कि अब मेरे चैनल पे जो है मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड होने वाली है क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्राइपॉड सिस्टम लग चुका है और अब मैं मोटिवेशनल वीडियो भी शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको आज या कल में वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वीडियो अपलोड कर दी है और इंस्टाग्राम फेसबुक और इसके अलावा टिकी हो गया एंड जो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिन पर मेरी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं और आप देख सकते हैं और अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस को शूट कर लेता हूँ और मिलते हैं फिर सीधा अपनी शॉप पर। गाइस इस समय मेरे को आना पड़ा है काइट कॉलेज पर, आप देख सकते हैं काइट इंस्टीट्यूट और काइट ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब काइट काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वो बोला नहीं जा रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को कुछ काम पड़ा इसलिए उन्हें आना पड़ा। पीछे यहाँ पर पुल है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्रॉसिंग आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और ये काफ़ी दूर तक है भाई। और यहाँ पर पीछे अभी लिखा था कि बिना मास्क के अंदर आना मना है, वेल मास्क था नहीं लेकिन एमरजेंसी में मास्क मिल गया, कमाल की बात, देखो यार फ़ायदा हो गया। अब वहाँ पर अंदर वो जो वर्क है वो हो रहा है, यहाँ गार्ड साहब बैठे हैं और ये पूरा फोकस बना रहे हैं मेरे पर, आज मेरा हिसाब बना देंगे पर लेकिन मैं ये पूरा तय हूँ आज मैं पूरा ब्याज लगा दूंगा भाई साहब। चलिए वर्क होता है फिर जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे किसी कंडीशन की वजह से घर आना पड़ा क्योंकि जो हमारे एक फ्रेंड थे या फिर हमारे स्टूडेंट थे जो थे आशीष जी, उनकी जो आईडी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मुझे घर आना पड़ा। पहले इस समय उसी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ और फिर उनका जो वर्क हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यार किसी की हेल्प होगी क्योंकि देखिए ब्लॉग बनाने के साथ साथ मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि किसी के चेहरे पर खुशी आए और किसी की हम हेल्प कर पाएं। तो हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप भी हेल्प करते रहिए जिससे कि आपको काफ़ी मज़ा आता रहे। चलिए मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ फिर मेरे को जल्दी सेंटर पे भी जाना है भाई। तो गाइस यहाँ पर हम सेंटर पे आ चुके हैं और अश्वनी भाई बिल्कुल एकदम तैयार हैं सीक्रेट तरीके से, अब इनका कोचिंग जाने का टाइम हो चुका है और कमाल की बात देखो 3 बज रहे हैं लेकिन कोई बच्चा सेंटर में मतलब नहीं आया इसे छोड़ के। ये बहुत खतरनाक आदमी है, देखिए हंसी देखिए, ओहो तुम्हारी हंसी, कोई हंसी नहीं हंसी बेचारा 9th क्लास में छोटा सा बढ़िया लगा 10th में यार ऐसा नहीं है। और ये देखो काजू बहुत सीक्रेट आदमी है, सीबीएसई बोर्ड सीक्रेट। चलिए भाई देखते हैं कौन बच्चे आते हैं सेंटर में फिर पढ़ाना भी है भाई। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और सेंटर पे वर्क हो चुका है कंप्लीट। फिलहाल जरा मेरे को मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ सामान लेके फिर अपनी शॉप पर जाना है और खाना भी खाना है। देखो कितना अंधेरा हो रहा है यार, दुआ करो मैं एक अच्छा सा सस्ता वाला कैमरा ना खरीदूँ, महंगे वाला खरीदूँ। चलिए चलते हैं भाई घर पे, बहुत सारे काम है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।